हेलो दोस्तों, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आपका फ्रेंड मोहम्मद अखलाक आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक ले आया हूँ। और टॉपिक ये है कि भारत का ये क्या भारत की युवा पीढ़ी भारत छोड़कर जा रही है। तो ये कहने में तो सिर्फ इतना है कि क्या भारत की युवा पीढ़ी भारत छोड़कर जा रही है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात मैं आप लोगों के सामने आज कहने जा रहा हूँ कि भारत के अंदर जो लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं और जो होटल मैनेजमेंट की डिग्री और MBA की डिग्री हासिल कर लेते हैं, क्योंकि ये डिग्री आसानी से नहीं मिलती। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाओगे और इन की पढ़ाई करोगे और ये डिग्रियाँ लोगे, तो ये डिग्रियाँ आपको 4 लाख रुपए का कोर्स, 6 लाख रुपए का कोर्स, 8 लाख रुपए का कोर्स, इतने रुपए पे करने के बाद, प्लस आपकी मेहनत, आपका घर से दूर रहकर दूसरे राज्य में पढ़ाई करना, ये सब इसमें इंक्लूड है। तो ये लोग 4 से 6 लाख, 8 लाख रुपए खर्च करने के बावजूद भी इनको भारत के अंदर 18 से 20 हज़ार रुपए तक की ही स्टार्टिंग नौकरी मिल पाती है। और कुछ तो ऐसी हैं जो शुरुआत में सिर्फ 12 हज़ार रुपए ही देती हैं इतना बड़ा कोर्स करने के बाद। तो कैसे युवा पीढ़ी भारत में रुकेगी? इसीलिए आजकल के जितने भी नौजवान हैं, जिन्होंने पढ़ाइयाँ कर रखी हैं, जिन्होंने डिग्रियाँ हासिल कर रखी हैं और जिनके पास बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे सर्टिफिकेट्स हैं, वो सब भारत छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में उनकी योग्यता के हिसाब से उनको पैसे नहीं दिए जाते। वहीं दूसरी तरफ जो बाहर की कंट्रियाँ इन लोगों को नौकरियाँ दे रही हैं, वो भारत के पैसों के मुकाबले वहाँ पर 6 गुना ज़्यादा पैसे देती हैं। अगर आपकी सैलरी भारत के अंदर 20 हज़ार रुपये हैं, तो वो आपको 1 लाख 20 हज़ार रुपये या 1 लाख 40 हज़ार रुपये मंथली प्रोवाइड करेंगे। हाँ, वहाँ का रहना थोड़ा सा खर्चीला होता है। अगर वो लोग आपको 1 लाख 20 हज़ार 30 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो हो सकता है आपका टोटल मंथली वहाँ का जो खर्च हो वो 50-60 हज़ार रुपये हो। 50-60 हज़ार रुपये मान लेते हैं कि 50 हज़ार रुपये वहाँ रहने का खर्च है। फिर भी 1 लाख 20 हज़ार रुपये में से अगर आप 50 हज़ार रुपये घटा दोगे, तो आपके पास 70 हज़ार रुपये बचते हैं। और भारत में जो आपको 20 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, उसमें से कैसे आप 70 हज़ार रुपये बचाओगे? तो कहने का मतलब ये है कि भारत के अंदर जो ये घोटाले होते हैं, 2-2 लाख करोड़ रुपए के, 4 लाख करोड़ रुपए के, चारा घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला, तो इन घोटालों के अंदर जो पैसा बर्बाद होता है और जो गधे नेता लोग ये घोटाला करते हैं, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि तुम्हारी जो जिंदगी है वो 70 से 80 साल से ज्यादा नहीं है। ये जो 2 लाख करोड़ रुपए का घोटाला आप किसी टीम के साथ मिलके कर रहे हो, ये 2 लाख करोड़ रुपए आप जब मरोगे तो अपने साथ नहीं लेके जा पाओगे। अगर आप लोग इसे ध्यान से सुन रहे हैं, सरकारी लोग, तो मैं बता दूं कि जो लोग घोटाले करते हैं, वो 1 रुपया भी अपनी डेथ बॉडी के साथ नहीं ले जा सकते। इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो युवा पीढ़ी भारत की प्रवास कर रही है दूसरे देशों के अंदर, और युवा पीढ़ी कौन सी जो 18 से 30 साल की है, तो आप लोग अंदाजा लगा लो कि आज के टाइम में अगर 18 से 30 साल के लोगों ने भारत छोड़ना शुरू कर दिया है, तो आने वाले 20 साल के अंदर ये जो यूथ है, ये भारत की रीढ़ की हड्डी है जो इसको मजबूत बना के रखती है। क्यों? क्योंकि इस यूथ के सारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सारे समझदार हैं, ये कुछ अलग कर सकते हैं, इनको मौका नहीं मिलता, इनको राजनीति में मौका नहीं मिलता, क्योंकि राजनीति में कुछ 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 लोग, अनपढ़ लोग, पैसा दे के टिकट ले लेते हैं और उस राजनीति को धर्म वाली राजनीति बना देते हैं। कोई किसी की मदद करने के लिए राजी नहीं है। मुझे ऐसा फील हुआ क्योंकि मैं यंग इंडियंस हूँ, और मुझे ऐसा लगा मेरे काफ़ी सारे दोस्त भारत छोड़ चुके हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि और ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जाए। क्यों? क्योंकि उनकी काबिलियत के हिसाब से उनको पैसा नहीं मिल रहा, और भारत के अंदर इतना पैसा है कि आप घोटालों से अंदाजा लगा लो। एक एक दो दो रुपए के लिए गरीबों को परेशान करना, महंगाइयां करना, गरीब की सैलरी 5-5 साल तक सेम सैलरी रहती है, लेकिन 5 साल के अंदर एक टमाटर 10 रुपए से लेकर 80 रुपए किलो हो जाता है, तो वो कैसे उसको मैनेज करेगा? या तो वो सिर्फ घर का खाना खा सकता है आज के टाइम में, क्योंकि घर वगैरह लेना तो उसके बस की नहीं है, क्योंकि वो जो पैसे जोड़ के रखता है, वो 10 रुपए किलो वाला टमाटर जो 80 रुपए किलो हो जाता है, उसमें उसके बचे हुए पैसे चले जाते हैं। तो देश के युवाओं, जागो, आंदोलन करो, इन देश के गद्दार नेताओं को, जो लोग घोटाला करते हैं, जो बिल्कुल देश के लिए नहीं सोचते, जो रक्षक नहीं देश के भक्षक हो चुके हैं, इन्हें दिख नहीं रहा कि इतने सारी जनसंख्या के साथ भारत को चलाना ही एक बहुत बड़ी बात है, उसके बावजूद ये लोग अंधाधुंध घोटाले करते हैं।
तो भारत की युवा पीढ़ी को दूसरे देशों में प्रवास से रोक लो, क्योंकि भारत छोड़कर वो दूसरे देश में जा रहे हैं, वहां पर उनकी इज्जत हो रही है, यहाँ से 6 गुना ज्यादा उनको पैसा दिया जा रहा है, वहां का एनवायरमेंट इनको अच्छा लग रहा है, और कुछ तो ऐसे हैं कि वहां जाने के बाद वापिस ही नहीं आना चाहते। तो क्या होगा हमारे देश का? बच जाएंगे वही जिनकी 15 साल से कम की उम्र के लोग हैं और जो 50 साल से ज्यादा के हैं। तो बीच की जो मजबूत कड़ी है, वो बीच की जो मजबूत रीढ़ की हड्डी है, वो अगर भारत छोड़ के चली जाएगी तो जरूर मैं नहीं चाहता हमारे देश के साथ कोई भी दूसरा देश मजाक करे या कुछ ऐसी हरकत करे जिनसे हमें नुकसान हो। तो नेताओं, लोगों, इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट्स में बताओ कि किस तरीके की वीडियो आपको देखनी है और किन टॉपिकों पर मैं वीडियो बनाऊँ। कि होप कि ये वीडियो अच्छी लगी और हमारे भारत के युवा पीढ़ी को प्रवास से ये वीडियो रोकने में सहायता करेगी और उनको मोटिवेट करेगी कि भारत में रहकर कुछ अलग करो, नया करो और भारत का नाम रोशन करो, ना कि अपनी डिग्रियां लेकर बाहर चले जाओ कुछ पैसों के लिए, और अपनी जो आपने 12, 13, 14 साल की पढ़ाई करी है उसका फायदा दूसरी कंट्री को दे दो। थैंक यू सो मच। और गधे जो नेता हैं वो होप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ भारत देश के लिए कुछ करना शुरू करो, पैसे इकट्ठा ना करके ज्ञान इकट्ठा करो और ज्ञानों को बांटो। आपका फ्रेंड मोहम्मद अखलाक आप लोगों के सामने ऐसी वीडियो लाता रहेगा। बस आपसे एक दरखास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और लोगों को जागरूक करने में मेरा सहायता दें। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।